नमस्कार मित्र, तो ऐसे ही आपको पता है कि भारत बनाम न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच अब बहुत रोमांचक होता जा रहा है। भारत ने कल अपने पहले इनिंग्स की शुरुआत की 14 रन की एक विकेट के नुकसान पे और बहुत शीघ्र न्यूजीलैंड की शानदार गेंदबाजी के कारण 51 पे 5 विकेट गिर चुके थे भारत के। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर जो अपने डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे थे, इन्होंने 2 शानदार अर्धशतकीय साझेदारी में हिस्सा लिया। पहली अश्विन के साथ जिनमें उन्होंने 52 रन जोड़े और अश्विन के आउट होने के बाद चोटिल विद्यमान साहा के साथ मिलकर उन्होंने 64 रनों की एक और साझेदारी की। इसी प्रोसेस में श्रेयस अय्यर पहले भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने अपने डेब्यू में शतक और 50 रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद क्रीज पर आए अक्षर पटेल जिन्होंने रिद्धिमान साहक के साथ मिलकर एक और अच्छी पार्टनरशिप की और भारत को एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर ला खड़ा किया। भारत 234/7 पर डिक्लेयर किया। इसी वजह से डिक्लेरेशन के बाद अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए मनाने हैं 284 रन। और न्यूजीलैंड की टीम जब सेकेंड पारी के लिए उतरी, उसके बाद वीरेंद्र शर्मा की एक गलत डिसीजन के कारण अश्विन की गेंदबाजी के में विलियम LBW आउट हुए और DRS लेने में उनकी चूक होने के कारण यानी देरी करने के कारण वो अपना विकेट नहीं बचा पाए और इसी वजह से न्यूजीलैंड ने अपना दिन ख़त्म किया 4 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए 280 रन। पाँचों दिन में खेल रोमांचक हो चुका है। अब यहाँ पे तीनों ही रिजल्ट आने संभव हैं। ड्रॉ भी हो सकता है, मैच भारत के पल्ले में भी गिर सकती है, न्यूजीलैंड के पल्ले में भी गिर सकती है, लेकिन भारत के जीतने का चांसेस यहाँ ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है, कौन सी टीम यह जीतेगी, भारत या न्यूजीलैंड? कमेंट सेक्शन में बताएं।